नमस्कार वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में हम देखेंगे सी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन की सीरीज तो चलिए शुरू करते हैं इस पहले क्वेश्चन के साथ में क्वेश्चन रीड करता है ऑन फाइंडिंग ए चाइल्ड हु इज नॉट ब्रीदिंग विच ऑफ द फॉलोइंग शुड यू डू फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो बच्चा ब्रीद नहीं कर रहा उसके लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे प्रियोरिटी एक्शन आपका क्या होगा बिना कोई ऑप्शन देखे भी जो बच्चा ब्रीद नहीं कर रहा उसके लिए आपको आपकी तरफ से प्रियोरिटी एक्शन क्या होगा उसका एयरवे क्लियर करना वैसे भी हालांकि आप ये मत जाइएगा कि सी की जो स्टेप्स हैं उसमें बच्चे के लिए क्या है ए बी सी एयरवे फर्स्ट देन ब्रीदिंग एंड देन कंप्रेशंस लेकिन यहाँ पर बच्चा ब्रीद नहीं कर रहा तो सबसे पहले आपको उसका एयरवे क्लियर करना जरूरी है कुछ भी नहीं देखना अब हम इसका ऑप्शन टू ऑप्शन भी देखेंगे कि, कि किस ऑप्शन को किस तरीके से ओमिट किया जा सकता है पहला ही ऑप्शन है क्लियर द एयरवे जो कि एकदम से करेक्ट है जो बच्चा ब्रीद नहीं कर रहा उसमें प्रियोरिटी एक्शन क्या होगा क्लियर द एयरवे किस लिए ताकि बच्चे में स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग को रीएस्टैब्लिस किया जा सके या इस्टेब्लिश किया जा सके इस चीज़ को आप नोट कीजिएगा दूसरा ऑप्शन क्या कहता है बिगिन माउथ टू माउथ रिसिटेशन ये सेकंड स्टेप में आ जाता है माउथ टू माउथ रिसिटेशन जो है वो सेकंड स्टेप में आएगा दूसरी बात है जब तक बच्चा स्पॉन्टेनियस ब्रीद कर ही नहीं रहा तब तक माउथ टू माउथ रिसिटेशन का कोई मीनिंग ही नहीं है इसलिए सबसे पहले एयरवे को क्लियर करना जरूरी है इनिशिएट ऑक्सीजन थेरेपी ऑक्सीजन जाएगी कहाँ से जब बच्चा स्पॉन्टेनियस ब्रीद कर ही नहीं रहा तो, तो कोई एडवांटेज नहीं है इसका भी लास्ट ऑप्शन है स्टार्ट चेस्ट कंप्रेशन चेस्ट कंप्रेशन तभी करेंगे जब बच्चे में आपको पल्स नहीं मिल रही तो जब पल्स नहीं मिल रही तभी चेस्ट कंप्रेशन शुरू करेंगे अदरवाइज कोई मीनिंग नहीं तो क्वेश्चन ऑन फाइंडिंग ए चाइल्ड हु इज नॉट ब्रीदिंग विच ऑफ द फॉलोइंग शुड यू डू फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है क्लियर द एयर वे बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में जब आता है तो ट्रिकी हो जाता है तो आपको क्लियर होना चाहिए अच्छे से नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीदिंग रेट्स शुड यू यूज वेन परफॉर्मिंग रेस्क्यू ब्रीदिंग ड्यूरिंग कार्डियोपलमोनरी रिससिटेशन फॉर ए फाइव ईयर ओल्ड चाइल्ड यानी कि इसमें से जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं उनमें से कौन सी ब्रीदिंग रेट को आपको फॉलो करना है जब आप किसी बच्चे को सी दे रहे हैं तो अब देखिए बच्चा क्या है जी फाइव ईयर ओल्ड चाइल्ड है जैसे बच्चा एक से आठ साल का हो या लेस देन वन ईयर हो मीन्स इन्फेंट है या फिर चाइल्ड है अगर बच्चे में सी दिया जाना है तो ब्रीथ टू चेस्ट कंप्रेशन का जो रेशियो है वो क्या है टू इज टू थर्टी किसके लिए वन रेस्क्यूअर के लिए लेकिन ये कब बदल जाएगा टू इज टू फिफ्टीन हो जाएगा कब जब टू रेस्क्यूअर्स अवेलेबल हैं तो एक तो ये चीज़ आपको दिमाग में होनी चाहिए लेकिन क्वेश्चन में पूछ क्या रहे हैं आपसे कि आपको ब्रीथिंग रेट जो है वो क्या फॉलो करना है सी देते समय रेस्क्यू ब्रिद्स जो हैं रेस्क्यू ब्रिज्स जो हैं अब आप सोचेंगे कि रेस्क्यू ब्रिज्स क्या हैं जब बच्चा स्पॉन्टेनियस ब्रिद नहीं कर रहा है तो रेस्क्यू ब्रिज्स देते हैं हम एम्बू से और ये इनकी जो रेट है वो क्या होनी चाहिए स्लो ही होनी चाहिए कितनी ग्रेट होनी चाहिए टेन ब्रिथ्स पर मिनट के हिसाब से होने चाहिए और किस परपज से हैं ताकि चेस्ट का राइज एंड फॉल हो सके चेस्ट कंप्रेशन दे रहे हैं तो टू ब्रिज फॉर थर्टी कंप्रेशन फॉर वन रेस्क्यूअर टू ब्रीज फॉर फिफ्टीन चेस्ट कंप्रेशन इन टू रेस्क्यूअर्स ऑप्शन इज टेन ब्रिज पर मिनट नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू बिगिन सी पी आर ऑन ए फाइव ईयर ओल्ड अनरिस्पॉन्सिव चाइल्ड वेन द इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम अराइव द चाइल्ड कंटिन्यूज टू हैव नो रेस्परेटरी एफर्ट्स बट हैज ए हार्ट रेट ऑफ फिफ्टी बीट्स पर मिनट विद साइनोटिक लेग्स द टीम शुड नेक्स्ट आप ऐसे बच्चे पे सी पी आर कर रहे हैं जो कि पाँच साल का है रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा जब इमरजेंसी रिस्पोंड टीम आ गई तो भी बच्चे ने क्या है कोई रेस्पलेट एफर्ड नहीं लिया तो भी कोई एफर्ड नहीं ले रहा है उसकी हार्ट रेट जो है वो पचास है लेग्स जो हैं एकदम से साइनोज हो गई है टीम को नेक्स्ट क्या करना चाहिए पहली बात तो सी पी आर कब किया जा रहा है जब हार्ट रेट लेस देन सिक्सटी बीट्स पर मिनट है तो किस में किसी चाइल्ड के अंदर तो ये तो करेक्ट है कि पचास की हार्ट बीट आ रही है और पाँच साल का बच्चा है तो उसमें सी पी आर दिया जाना चाहिए ये किस चीज़ का साइन है हार्ट बीट नहीं है तो बच्चे के अंदर पुअर परफ्यूजन है परफ्यूजन ऐसे भी हमें समझ में आ गया बच्चे की जो लेग्स है वो कैसे हो रखी है साइनोज हो रखी है ठीक है अब ऑप्शंस में चलिए कि इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम आ गई है तो डिस्कंटिन्यू कंप्रेशन बट कंटिन्यू एडमिनिस्ट्रिंग ब्रीज़ विद अ बैग मास्क डिवाइस कभी भी जब बच्चा रेस्परेट एफर्ट नहीं ले रहा तो कंप्रेशन को बंद नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि बच्चा साइनोज है इसका मतलब सर्कुलेशन भी प्रॉपर नहीं है ब्रिथ तो आपने कंटिन्यू किए बैग मास से लेकिन कंप्रेशन बंद कर दिए तो ये ऑप्शन गलत है नेवर डिसकंटिन्यू एस्टाब्लिस एन आई वी लाइन विद ए लार्ज बोर निडल वाइल प्रिपेयरिंग द डिफ्रिटर डिफ्रिबिलेटर डिफिबिलेटर जैसे ही रेडी हो जाए तब यूज करना है आई वी का तो कोई मतलब नहीं है शीयर वेस्टेज ऑफ टाइम बिग इन टू परसन सी पी आर एट अ रेशियो ऑफ टू ब्रीज टू कंपरे टू फिफ्टीन कंप्रेशन दो रेस्क्यूअर सी पी आर में बच्चे में सी पी आर दे रहे हैं तो वन परसन रेस्क्यूअर है या टू रेस्क्यूअर्स हैं तो रेट क्या होगा किसका रिससीटेशन का आपको पता है ब्रीदिंग टू चेस्ट कंप्रेशन का रेशियो वन पर्सन के अंदर टू ब्रीज फोर थर्टी कंप्रेशन टू परसेंट्स में टू रेस्वर में टू ब्रीज फिफ्टीन कंप्रेशंस तो ये ऑप्शन करेक्ट हैं दिख रहा हमें बिगिन टू परसेंट सी पी आर एट द रेसियो ऑफ टू ब्रीज फोर थर्टी कंप्रेशन नो ये वन परसेंट सी पी आर के लिए है तो ऑप्शन सी इज ए करक्ट ऑप्शन थैंक यू थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग वीडियो